दिवाली पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी शहर के विभिन्न स्थानों में धूमधाम से मनाया गया। रामलीला मंचन पर भगवान राम व रावण युद्ध के बीच राम ने जैसे ही रावण को मार गिराया, पूरा मैदान श्री राम के जयकारों के बीच राम की गूंज से गूंज उठा। बुराई का प्रतीक रावण का पुतला पटाखों की तेज धमाकों के साथ दू दू करके जल उठा। मैं सब तो पहला था अज इत्थे आजाद दशहरा कमेटी वालों इस प्रोग्राम विच पहुंचे हैं, सब नूं वधाई देने दशहरे की इस पवित्र त्यौहार की। मैं सब नूं यही कहना चाहुंदा कि भी आपां सारे भाईचारक सांझ नूं वधाउंदे होए सारे ही इदां जिवें रल मिल के त्यौहार और जिन्ने अपने खुशियां दे प्रोग्राम ने सारे मनाईए। बिल्कुल ठीक गल है। ये मैं विपन सिंगला श्री राम सेवा संघ दशहरा कमेटी आतम नगर माल टाउन एक्सटेंशन डी ब्लॉक तो असं पिछले 20 सालों तो इत्थे दशहरे का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। ये ठीक गल है भी इस बार GST लगन तो बाद बहुत ही फर्क भी पिया है। बाकी असी जी मैसेज देना चाहते अज के दिन से वो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के आदेशों से चलन के अनुसार ही सबू मैसेज दिने। और दूसरा अजक समाज के जो नशे का प्रकोप बढ़ रहा, मैं अजक जो जन साड़ी नवी पीढ़ी आ रही है सबू यही संदेश देना चाहूँगा कि सारे अपने नशे तो दूर रहो और भगवान श्री राम जी के उपदेशों से चलते उन्होंने मर्यादा अनुसार अपने जीवन के इन्होंने उपदेशों धारो। अज अही भाई रणधीर सिंह नगर की पूरी जिन्हों कहते भाईचारे का प्रतीक सारे ने कट्ठे हो के एक दशहरा हर साल की तरह मनाया और यह जरा दशहरा एक बुराई से अच्छाई की जित है, एक क्रोध कमांड का अंत है। यहोजी जिमें रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम सके, उन्होंने एक पुत्र के रूप में भरा के रूप में और अपने जिन्हों कहते हैं पति के रूप में राजा के रूप में मित्र के रूप में सारा एक सानू वे ऑफ लाइफ सिखाया।